जब आप अपील में जाते हैं तो कौन कौन से ग्राउंड्स लिखते हैं आप? अपील में जाते हैं तो कौन कौन से ग्राउंड्स लिखते हैं? एक होता है टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल होता है लॉ, तीसरा होता है मेरिट, करेक्ट? अब ये तीनों ग्राउंड आपने लिख दिया, अब अपेलेट अथॉरिटी आपके इस तीनों ग्राउंड को, अच्छा अपेलेट अथॉरिटी के तीनों ग्राउंड देखता है या फिर कौन सा ग्राउंड देख के पास कर देता है ऑर्डर? सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में स्वागत है और हम लोग सर्कुलर डिस्कस करेंगे जो 23 जून 2024 को आया, और ये सारा वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये यूट्यूब में भी जाएगा। और यूट्यूब के ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस लाइव डिस्कशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो आपको ये हमारा एक जीएसटी लिटिगेशन प्रीमियम क्लब है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, हमारा ऑफिस के नंबर पर कॉल करके डिटेल पता कर लीजिएगा। दूसरा, YouTube में एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक और एक बटन होता है जिसको हम लोग ज्वाइन का बटन कहते हैं, उस ज्वाइन करेंगे तो उसमें जीएसटी के सारे कोर्स हमने अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए आप सर्कुलर डिस्कस करते हैं। जो पहला सर्कुलर है तो हर एक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, तो 207 नंबर हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं जो है मॉनिटरी लिमिट्स का। तो टोटल 16 सर्कुलर है, 207 से 222। पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला 207 नंबर, जिसमें मॉनेटरी लिमिट्स का जो प्रेस रिलीज में हमने डिस्कस भी किया था। आप मुझे एक बार कुछ कुछ बताइए, हम लोग ये दोबारा कर रहे हैं आपके साथ। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको DRC 01 में एक शो कॉज नोटिस देता है, फिर एडजुडिकेट करके एक ऑर्डर पास कर देता है DRC 07 में, करेक्ट है? अब DRC 07 में अगर आपके अगेंस्ट है तो टैक्स पेयर अपेलेट अथॉरिटी में चला जाता है और यहां पर फॉर्म फाइल करता है, APL 01 02 आता है, फिर अपेलेट अथॉरिटी एक ऑर्डर पास कर देती है APL 04 में, जहां पर आप GST 80 में जा सकते हैं, GST 80 से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का केस हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई का केस हुआ तो डायरेक्ट GST 80 से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। जब आप अपील में जाते हैं तो कौन कौन से ग्राउंड्स लिखते हैं आप? अपील में जाते हैं तो कौन कौन से ग्राउंड्स लिखते हैं? एक होता है टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल होता है लॉ, तीसरा होता है मेरिट, करेक्ट? अब ये तीनों ग्राउंड आपने लिख दिया, अब अपेलेट अथॉरिटी आपके इस तीनों ग्राउंड को, अच्छा अपेलेट अथॉरिटी के तीनों ग्राउंड देखता है या फिर कौन सा ग्राउंड देख के पास कर देता है ऑर्डर? अपेलेट अथॉरिटी कौन से ग्राउंड के बेसिस पे ऑर्डर पास कर देता है? मेरिट मेरिट बेसिस पे पास कर देता है। यस टेक्निकल तो सर बिल्कुल नहीं देखता, सिग्नेचर नहीं है, DRC 01 अपलोडेड नहीं है, ये सब नहीं देखता। दूसरा, अपेलेट अथॉरिटी ये भी देखता है कि अगर सर्कुलर ये सब आया है, सर्कुलर आया, इंस्ट्रक्शन आया, ये इसके ऊपर बाइंडिंग है। मान लीजिए ऐसा टेक्निकल सर्कुलर आ गया जिसमें ये कहा कि DRC 07 अगर अपलोडेड नहीं है तो वो क्वैश हो जाएगा, एक इंस्ट्रक्शन नंबर 04 है ना, तो वो ये सुन लेगा। लेकिन केस लॉ ये सब अगर आप इसको हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देंगे, चाहे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे या अपेलेट अथॉरिटी को दे, तो ये वो कह देगा कि फैक्ट्स इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, द केस इज नॉट आइडेंटिकल, और वो उसको अप्लाई ही नहीं करता है। अब क्योंकि लिटिगेशन ज्यादा से ज्यादा, लिटिगेशन ज्यादा ना हो, कम हो, तो इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग, गवर्नमेंट विल नॉट फाइल अपील। अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर GST 80 में जाना है, तो अगर टैक्स का अमाउंट कितना है, टैक्स का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो GST 80 में नहीं जाएगा, इसका 5 गुना। GST 80 से हाई कोर्ट अगर टैक्स का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो नहीं जाएगा, और इसका ठीक डबल सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ से कम है तो नहीं जाएगा, करेक्ट है? लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन भी बनाए हुए उन्होंने, क्या कि अगर मेरिट बेसिस पे तो ठीक है। अच्छा आप बात समझिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होता है, करेक्ट है? यस और नो? यस सर यस सर अब आप समझिए, GST 80 से
हाई कोर्ट अगर जाना है और इसने फेवर में जजमेंट दे दिया है टैक्स पेयर के, अब कौन जाएगा? डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जाएगा। अब डिपार्टमेंट जब हाई कोर्ट में जाएगा तो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जा सकता है ना, यस और नो? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ जा सकता है। यस सर जी सर इसका मतलब ये जो 1 करोड़ और 2 करोड़ की जो लिमिट है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए है, यस यस हाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो हो ही नहीं सकता है, या फिर टेक्निकल हो सकता है, करेक्ट है? अब मुझे एक बात बताइए आप, मान लीजिए अपेलेट ट्रिब्यूनल ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर दिया और कहा कि 2A वर्सेस 3B में मैचिंग नहीं देखना, 16(2)(c) जो सप्लायर को टैक्स पे करना है ये भी नहीं चेक करना, ये डिपार्टमेंट उससे रिकवरी करेगा, और ये ऑर्डर पास कर दिया इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है या नहीं बनता? क्लॉज सी नीड नॉट बी अप्लाइड, 2A वर्सेस 3B मैचिंग नॉट नेसेसरी, इट इज, अच्छा ये टेक्निकल तो नहीं है ना? हेलो, सर ये टेक्निकल नहीं है ना? नहीं नो नहीं सर मेरिट भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं मैंने ऑफ लॉ है, बोला ये तो क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ लो है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस अपेलेट ट्रिब्यूनल ने इन फेवर पास कर दिया, अब क्या हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट जाएगा या नहीं जाएगा? और ये मामला मान लीजिए 3 करोड़ का है, जाएगा सर 3 करोड़ 3 करोड़ का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर ये टेक्निकली मामला 50 लाख का है जाना चाहिए तो सर। नहीं जाएगा। ओ, नहीं सर वो 20 लाख्स तो है ना उधर। नहीं, अपेलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट तो 1 करोड़ है, हाँ लेकिन सर तो वो एक अदर कंडीशन में डालना पड़े, देखना पड़ेगा फिर से एक बार, जो अदर दिखा है ना। लास्ट का पॉइंट जो है ना सर्कुलर का, नहीं 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 उसको रीड सर्कुलर, आप करना सर्कुलर भूल जाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। सर। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हमें मॉनेटरी जाना चाहिए, मॉनेटरी मॉनेटरी लिमिट है, ठीक है सर, ये मॉनेटरी लिमिट के हिसाब से तो आप बोल रहे हैं तो नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ में भी हमको ये जो है ना, ये तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो जाएगा सर। अच्छा देखिए, अपलेट ट्रिब्यूनल ने अगर ये इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर पास कर दिया तो अब इस अपलेट ट्रिब्यूनल के जुरिडिक्शन में जितने भी अपलेट अथॉरिटी आ रहे हैं, जुरिडिक्शनल अथॉरिटी आ रहे हैं यानी कि एडजुडिकेटर अथॉरिटी, उन सब के ऊपर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जाएगा। तो ऐसे केस में भले मॉनेटरी लिमिट से कम है और डिपार्टमेंट केस टू केस बेसिस ये डिसाइड करता है कि अगर ये लार्ज स्केल पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर रेवेन्यू को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो इवन इफ इट इज लोअर देन द मॉनेटरी लिमिट इट कैन गो फॉर हाई कोर्ट, करेक्ट है? मुझे एक बात बताइए, हाई कोर्ट में आप चले गए, कैन यू आर्ग्यू कि ये मॉनेटरी लिमिट से कम है इसलिए डिपार्टमेंट को तो जाना ही नहीं है, रिट डिसमिस कीजिए, सॉरी रिट कह रहा हूं, अपील डिसमिस कीजिए। नहीं सर पहले यस पॉसिबल है, ये तो आर्ग्यूमेंट होगा ना। हाँ, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा मामला है, वो लॉ का ही है और ऑफकोर्स उन्होंने लिमिट सेट कर दिया है, लेकिन सर एक्सेप्शन तो हमने देखा है, बहुत सारे एक्सेप्शन नहीं देखे नहीं हैं। एक्सेप्शंस है, मैं ये तो एक्सेप्शंस ऑब्वियसली है, बट यू कैन आर्ग्यू ना मॉनिटरी आर्ग्यू करने के लिए लिमिट कर से कम सकते हैं हाँ, पर है। करना हाँ चाहिए, करना चाहिए, वो और तो सर करते डिफेंस भी हैं लोग, करना, करते भी हैं, हाँ अब करना चाहिए सवाल ही आप डिफेंस, सब, डिफेंस डिफेंस कर सकता है। करेक्ट। अब आओ और चीजें समझिए, TRC 07 सॉरी अपेलेट अथॉरिटी APL 04 आ गया और अपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पर अपेलेट अथॉरिटी से अपेलेट ट्रिब्यूनल में मॉनेटरी लिमिट कितनी फिक्स की है, 20 लाख फिक्स की हुई है। अब ये मान लीजिए 15 लाख का मामला है और आपके फेवर में आ गया और ये क्वेश्चन ऑफ मेरिट था, तो ना कहीं सवाल नहीं है, क्लोज हो जाएगा।
जो क्लोज हो गया यहाँ पर, खत्म हो गया है ना, डिपार्टमेंट नहीं जाने वाला, लड़ने वाला नहीं है। लेकिन यही 25 लाख का मामला हो तो देखेंगे जाएगा, सर, जाएंगे, जाना है सर। तो अगेन वो फैक्ट देखेगा कि अगर वाकई में जाना चाहिए तो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी लिमिट से ज्यादा है तो हर बार जाएगा ही जाएगा, करेक्ट है ना? बराबर है, बराबर है सर। यही 15 लाख का मामला हो और क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो, टेक्निकल हो तो, और आपके फेवर में आ गया, टेक्निकल ग्राउंड पे आपके फेवर में कर दिया, लॉ ग्राउंड के आपके फेवर में कर दिया, तब डिपार्टमेंट जा सकता है, हम आर्ग्यू करेंगे बस। डिपार्टमेंट जा सकता है, डिपार्टमेंट को कोई रोक नहीं है, इसमें एक्सेप्शंस बना दिए और ये जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर मॉनेटरी लिमिट्स ऑफ फाइलिंग अपील, अपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए 20 लाख, हाई कोर्ट 5 गुना, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़। इस लिमिट को पढ़ने कैसे, मान लीजिए आपके पास 73 का नोटिस आया जिसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, ये सब जुड़ा हुआ है, ये 25, ये 18 लाख है, ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख, तो इन सबको जोड़ के या सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखना है? ऑल इंक्लूसिव, सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखना, अगर ये सब है तो सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखना है, और अगर सिर्फ इंटरेस्ट है तो सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट, अगर सिर्फ पेनल्टी है तो पेनल्टी का अमाउंट, लेकिन इंटरेस्ट पेनल्टी दोनों है तो दोनों को जोड़ के, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस है तो तीनों को जोड़ के, इस तरह से। तो ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर टैक्स डिस्प्यूट्स अगर है जहां पर इंक्लूडिंग दिस 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 दिस, तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, इंटरेस्ट तो सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी तो सिर्फ पेनल्टी, लेट फी तो सिर्फ लेट फी, इन कंबाइंड डिस्प्यूट है इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी विदाउट टैक्स है, तो सबको जोड़ के, रिफंड है तो रिफंड वाला अमाउंट, और कंपोजिट ऑर्डर है टोटल अमाउंट अक्रॉस ऑल अपील और डिमांड नोटिस इन ऑर्डर, इसको नोटिस कर ले। कुछ एक्सेप्शन इन्होंने बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस टू जीएसटी लॉस जाएगा ही जाएगा, अल्ट्रा वायरस चैलेंजेस टू रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस जाएगा ही जाएगा। मान लीजिए रूल कहेगा, रूल 36 सब रूल 4, उसको चैलेंज कर दिया गया कि इट इज अल्ट्रा वायरस, कि पैरेंट सेक्शन 16 सब सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग में नहीं है, पैरेंट में लॉ में नहीं है, इसलिए चैलेंज हो गया। रिकरिंग और इंटरप्रेटिव इश्यूज, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा, केसेस विद एडवर्स कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट, केसेस वेयर कॉस्ट हैव बीन इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट, एनी केस डीम नेसेसरी बाय द बोर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, ये मेरी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, ओके सर। ओके है ना? हाँ सर, ओके ओके सर। हाँ, तो प्लीज राजीव, आप एक बार चेक कीजिए अपने एंड में, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाइए। सर, ठीक है, तो ये अब इसको आप पढ़ना चाहें तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। सेक्शन 120 में एक खास बात लिखी हुई है, ये सर्कुलर जो पावर डिराइव कर रहा है वो सेक्शन 120 से डिराइव कर रहा है, अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस। इसमें एक ये जो मैंने किया हुआ है, मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया कि 16(2)(c) नीड नॉट बी चेक्ड, फर्स्ट रिकवरी शुड बी फ्रॉम सप्लायर देन फ्रॉम रिसिपिएंट, और ये मान लीजिए ये 80 लाख का मामला है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट जाएगा या नहीं जाएगा? अरे कहिए। हाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हाई कोर्ट ने क्लॉज सी में जो लिखा हुआ था सप्लायर शुड पे, और सप्लायर पे नहीं करता, रिसिपिएंट से रिवर्स करवाते हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया पहले आप सप्लायर से रिकवरी कीजिए उसके बाद रिसिपिएंट को पकड़िएगा, और टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया, 80 लाख का मामला है, क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा? जा सकते हैं, जा सकते हैं, जाएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ है। जी। यस सर,
जा सकता है लेकिन गया नहीं, लेकिन ओके गया नहीं। आप मुझे बात बताइए, हाई कोर्ट का ये डिसीशन नीचे वाले सभी ज्यूरिडिक्शन पे बाइंडिंग हो जाएगा? यस सर जी जी करेक्ट। अब एक बात समझिएगा, अगर ये डिपार्टमेंट, ये मिस्टर ए का डिसीशन आया, मिस्टर बी के डिसीशन में ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां 4 करोड़ का मामला था, सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट गया है तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में कह सकता हूं मिस्टर ए में तो आप एग्री कर ही गए थे, मिस्टर बी में आप क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए? यस और नो? नो तो यहां पर ये सबसेक्शन 3 लिखता है, नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट नो अपील और एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स पर्सुएंट टू द ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन इश्यूड अंडर दिस, नो पर्सन बीइंग अ पार्टी इन अपील और एप्लीकेशन शैल कंटेंड दैट ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स हैज एक्यूसिस्ट इन द डिसीजन, यानी कि एग्रीड टू दिस डिसीजन ऑन द डिस्प्यूटेड इश्यू बाय नॉन फाइलिंग ऑफ अपील और एप्लीकेशन। तो इसका मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए कि वी हैव एग्रीड, करेक्ट है। दूसरी बात, मिस्टर ए के फेवर में आ गया, टैक्स पेयर के फेवर में आ गया, और मिस्टर बी का केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में और कोई केस यहां पर ऑलरेडी पेंडिंग है। अब ये वाला जो डिसीजन है यह बाइंडिंग हो जाएगा सबके ऊपर, यस और नो? नीचे वाला अथॉरिटी के ऊपर, क्या ये नीचे वाला अथॉरिटी इस डिसीजन को अप्लाई करके इन फेवर देगा डिसीजन, यस और नो? यस नहीं देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज दिस केस इज ऑलरेडी पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, या तो अपने पास पेंडिंग कर लेगा या अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा, फिर आप लड़िए आगे। अरे आया, हेलो, आप सर लोग भी पाया, नहीं सर सुनते आया, हैं? पॉइंट है, पॉइंट है, बहुत हाँ जी अच्छा पॉइंट है ये। हाँ। तो जब भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील लड़ना आसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, हमें रिसोर्सेस चाहिए ही चाहिए। ये मॉनिटरी लिमिट लिखा हुआ है और ये एक्सेप्शंस लिखा हुआ है, केस फॉल्स विद इन अबव द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर टू बी कंसिडर्ड, वेर द डिस्प्यूट पर्टेंस टू डिमांड ऑफ टैक्स, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, इंटरेस्ट ओनली, पेनल्टी ओनली, लेट फी ओनली, तीनों है तो एग्रीगेट करेंगे, रिफंड वाला ये सब हम लोग कर चुके हैं आपके साथ। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन में ये सब मैं कर चुका, अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायर्स टू द पेरेंट एक्ट, अल्ट्रा वायर्स टू सीजीएसटी, ये ऑर्डर वगैरह वगैरह, वेर द मैटर इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिफंड, प्लेस ऑफ सप्लाई, एनी अदर इश्यू, इसमें तो विच इज रिकरिंग इन नेचर एंड ऑब्लिक और इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स नोटिफिकेशन दिस, यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे, वेर द स्ट्रक्चर्स एडवर्स कमेंट्स हैव बीन पास्ट, कॉस्ट हैव बीन अवार्डेड, या कोई और, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और रेवेन्यू। देखिए मैं आपको कई बार कहता था कि पूरे लॉ में इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ है, उनको लिखना चाहिए था इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यहां पर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और रेवेन्यू। फिर ये हो गया, ये बता ही दिया, ये देखिए क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जा ही रहे हैं, ये भी हो ही गया, हम कंप्लीट। इसमें किसी को कुछ कहना है तो कहिए, फिर आगे बढ़े नेक्स्ट। सर एडवर्स कमेंट अगेंस्ट डिपार्टमेंट, ये क्या मीनिंग है सर? डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया, या कभी कभी आप देखिए, एक हमने हाई कोर्ट वार्निंग टू हाई कोर्ट करके उसमें डाला भी है अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर वो ऑफिसर्स को डांटते हैं और कहते हैं कि यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर, आप अपने एम्प्लॉयज की ठीक से ट्रेनिंग दो वगैरह वगैरह, दैट मतलब ये सब एडवर्स कमेंट्स है।
राजेश जी सर। जी, कोई ओपिनियन कुछ कहना है? ठीक नहीं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। है, तो नेक्स्ट करें। 208, ये क्या है? ये जो 208, 26 जून दो स्क्रीन हजार चौबीस स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर नहीं है,